थाना कमलानगर में क्राइम पेट्रोल देखकर दुकान जलाने का षड्यंत्र करने वाली महिला और तीन आरोपी को थाना कमलानगर की पुलिस ने पकड़ लिया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक विजय सिंह सिसोदिया, उप निरीक्षक मिथिलेश भारद्वाज, लक्ष्मण सिंह, ओंकार लाल, दिनेश कमलेश, अदंत सोमवंशी, जितेंद्र पुष्पेंद्र, साइबल सेर भोपाल, सीसीटीवी सर्वेलेंस, आईटीएमएस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान रही है। कल सुबह थाना कमलानगर में सूचना आई थी कि जहीर मैकेनिक की दुकान है नेहरू नगर चौराहे के पास, वहाँ पर उसकी दुकान में आग लगी है और 6 मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इसके ऊपर आगजनी की एक रिपोर्ट दर्ज की गई और कमलानगर पुलिस ने उसमें जांच करना शुरू करी, तो वहाँ पर जो लगा कैमरा है उसमें 3 लड़के भागते हुए दिखाई दिए। उन 3 लड़कों को फॉलो करते हुए अलग अलग कैमराज जो चौराहे से बीको चौराहे से लेकर रंग महल तक गए, और तो वहाँ पर जैसे जैसे उनका ट्रैक बनता गया तो एक जगह यहाँ पर गाड़ी का नंबर भी पता चला, जिस नंबर के ऊपर पता करने पर जो मकान मालिक है उसका बीडीपी पोर्टल से जानकारी प्राप्त करी तो उसका मोबाइल नंबर उसका पता चला। उसके पास जाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने 3 लड़कों के नाम बताए जो उससे एक रात उसी रात सुबह 2 बजे गाड़ी लेके गए थे, ये कह कर कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो फिर उन लड़कों से पूछताछ करी हिकमत अमरी से, उसमें एक नाबालिग है और 2 बालिग लड़के हैं जिनका नाम जैद और फरहान खान है जो जहांगीराबाद के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि हमको एक शिवली नक्ती करके महिला है जहांगीराबाद की, उन्होंने 2000 रुपये दिए थे और कहा था कि इस दुकान में आग लगा देना। उनसे जब ये पूछा गया कि उस महिला से भी पूछा गया कि क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे ही रिश्तेदार की दुकान है, हमारे बड़े जेठ की दुकान है जो हमारे से ज़्यादा चलती थी, इसके लिए मैंने जलन के कारण इनकी दुकान जलवाई जिससे कि वो जो ग्राहक है वो हमारे पास आ जाए। जब उस महिला से ये पूछा गया कि ये आइडिया आपके पास कैसा आया, तो उसने कहा कि जो ऑनलाइन क्राइम पेट्रोल सीरीज़ होती है उसमें एक एपिसोड में ये बताया गया था, इसी वजह से मैंने इन लड़कों को 2000 रुपये दिए और ये घटना में आग लगी।